स्वच्छता के बाद अब स्वास्थ्य में इंदौर नंबर वन बनने की तैयारी कर रहा है, जहां आयुष मेडिकल वेलफेयर फाउंडेशन और एडवांस्ड होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च एंड वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में एनीमिया जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। देखिए यह खास रिपोर्ट। एनीमिया बीमारी के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आयुष मेडिकल वेलफेयर फाउंडेशन और एडवांस्ड होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च एंड वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में एनीमिया रथ का शुभारंभ किया गया, जहां सांसद शंकर लालवानी ने रथ को हरी झंडी दिखाते हुए रवाना किया। इस दौरान आयुष चिकित्सक डॉक्टर AK द्विवेदी समेत तमाम शहरवासी मौजूद रहे। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि एनीमिया को लेकर जन जागरण अभियान की शुरुआत हुई है। प्लास्टिक एनीमिया को लेकर एक जनजागरण अभियान की शुरुआत हुई है, पूरे शहर में इसका जनजागरण करेंगे। प्लास्टिक एनीमिया को लेकर बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, लोगों को आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती, उसकी जानकारी लेने के लिए आज ये शिविर का आयोजन किया गया है। डॉक्टर द्विवेदी जी ने रथ चलाया है और इसके साथ साथ इसको कैसे रोका जा सकता है, बहुत ही नेचुरल चीज़ें चने गुड़ खारक खा सकते, खून को अच्छा कर सकते, प्लास्टिक एनीमिया से बचा सकते, लेकिन इसके साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं। तो निश्चित तौर पे हमें सबको जन जागरण करना चाहिए। शहर स्वच्छ तो है, लेकिन शहर स्वस्थ बने उसके लिए अभियान प्रारंभ किया गया। आयुष चिकित्सक AK द्विवेदी की माने तो हमारा प्रयास रहेगा कि इंदौर जैसे स्वच्छता में नंबर वन बना रहा है, वैसे ही शहर स्वास्थ्य में भी नंबर वन बनना चाहिए। हमारा ये प्रयास रहेगा कि इंदौर जैसे स्वच्छता में नंबर वन सिटी बन रहा है लगातार 5 साल से, ऐसे ही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी नंबर वन बनना चाहिए। नंबर वन का कोई प्रतियोगिता नहीं है, लेकिन जो स्वस्थ लोग हैं उनको ये पता होना चाहिए कि उनका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है कि नहीं है, उनका ब्लड नॉर्मल है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपना दैनिक कार्य करते रहते हैं और दैनिक कार्य करते करते थकान आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, चक्कर आ जाता है, गिर जाते हैं, या सीढ़ी चढ़ने में परेशानी होती है, या दम भरने लगता है। तब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना रक्त जाँच कराते हैं, तब पता चलता है कि हीमोग्लोबिन 2 ग्राम है या 3 ग्राम है, प्लेटलेट 10,000 है, जबकि प्लेटलेट 1.5 लाख से 4.5 लाख होना चाहिए, 4 लाख होना चाहिए, हीमोग्लोबिन 13 से 15 ग्राम होना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि हमको इमरजेंसी में ही ब्लड जांच कराना पड़े, तब पता चले कि हमको ये बीमारी काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी। हम लोग एक लोगों में अवेयरनेस लाने का प्रयास कर रहे हैं, लोग जो हेल्दी हैं वो बीमार ना हों, वेलनेस का प्रयास करेंगे, और उनके घर में जो खाद्य पदार्थ है जैसे गुड़ है, चना है, पालक है, पनीर है, या फिर खारक है, मुनक्का है, इस तरीके को लेकर के ये सब जो पदार्थ हैं इनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करके हम खून को कैसे बढ़ा सकते हैं वो समझाने का प्रयास रहेगा। हमारी जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उनको हम ये सिखाने का प्रयास करेंगे कि अगर आपका माहवारी 3 से 5 दिन से ज़्यादा आ रहा है, अगर 5 दिन से ज़्यादा आ रहा है तो आपको चिकित्सक को दिखाना चाहिए, ब्लड जांच कराना चाहिए। ज़्यादा रक्तस्राव ठीक बात नहीं है। ऐसे ही जैसे ब्लीडिंग पाइल्स है, हमारे जो वृद्ध वह अवस्था के लोग हैं उनको पता ही नहीं होता, उनको ब्लीडिंग होती रहती है, वो ब्लीडिंग होते होते उनका खून 6 ग्राम पे आ जाता है, चक्कर खा के गिर जाते हैं, तब परिवार वालों को पता चलता है कि उनको खून की परेशानी थी। तो समय रहते उनको ये पता चल जाए, उसके लिए हम लोगों ने हीमोग्लोबिन जाँच का यहाँ पर आयोजन रखा है। लोगों को भी हम हीमोग्लोबिन जाँच करने के लिए प्रेरित करेंगे और गुड़, चना और खारा का एक पैकेट प्रदान कर रहे हैं। हमारी होम्योपैथिक दवाइयों से हम लोग खून की जो बीमारियां हैं, चाहे वो ब्लीडिंग की परेशानी हो, चाहे हीमोग्लोबिन कम की या प्लेटलेट कम की परेशानी हो, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से ठीक कर रहे हैं। खास करके ऐसे मरीज जो कैंसर से पीड़ित होते हैं, तो कैंसर से ज़्यादा वो कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी के बाद ब्लड की कमी और प्लेटलेट की कमी से जूझते हैं। उनको बार बार ब्लड ना चढ़ाना पड़े, इतना ब्लड कहाँ से आएगा, इतना पैसा कहाँ से आएगा बार बार ब्लड चढ़ाने के लिए। कोविड के बाद लोगों को ब्लड मिल ही नहीं रहा है, बड़ी परेशानी आई कोविड के समय में, लोगों को अस्पतालों में ब्लड नहीं मिला, तो हमें बार बार ब्लड न चढ़ाना पड़े, हमारे घरेलू खाद्य पदार्थों का सेवन करते हुए, होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करते हुए हम कैसे ब्लड को बढ़ा सकें, ये हमारे रथ यात्रा का मेन उद्देश्य है, लोगों को हेल्थ से वेलनेस की ओर ले जाना है। इस दौरान बड़ी संख्या में शहरवासी एनीमिया रथ के शुभारंभ अवसर पर मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, इंदौर। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात, MP News के साथ।